नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। नरसिंहपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में नरसिंहपुर के गाडरवारा में एक महिला डॉक्टर के साथ में मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर मामले में शीघ्र उचित जाँच कर दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। गाडरवारा में संचालित ज्योति हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर ज्योति पुआरे पर मरीज के परिजनों के द्वारा मारपीट और अभद्रता की गई तथा हॉस्पिटल ने अन्य स्टाफ के साथ मारपीट परिजनों द्वारा की गई। उक्त मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजीव चांदोरकर की अगुवाई में जिले के डॉक्टरों ने एकत्र हो पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे ने बताया कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है और मामले में जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। करेली से राहुल साहू की रिपोर्ट। ये गाडरवाड़ा से संबंधित है, वहाँ महिला डॉक्टर से जो दुर्व्यवहार किया गया उस संबंध में वहाँ FIR की गई है और SP सर ने उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई हेतु ज्ञापन लेते समय ही थाना प्रभारी को निर्देशित किया हुआ है। कल ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ज्योति पुरवारे ये गाडरवाड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ है, परसों के दिन इनके क्लिनिक में एक मरीज़ दिखाने आई और मरीज़ दिखाने के बाद वो मरीज़ के गर्भ में जो शिशु था उस शिशु की डेथ हो चुकी थी, जिसे हमारी भाषा में हम इंट्रा यूट्राइन डेथ कहते हैं। यह डॉक्टर पुवारे ने उनके परिजनों को उनको ये बताया कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, ना उन्होंने कोई ट्रीटमेंट किया है ना कुछ किया था, सिर्फ उन्होंने बताया कि भाई ये रिपोर्ट ये स्थिति बनी है। तो अचानक उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उनके परिजनों ने डॉक्टर के साथ झूमा झटकी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जब बीच बचाव के लिए उनके श्रीमान जो स्वयं डॉक्टर वो आए तो उनके साथ भी हाथापाई कर दी, उनको भी इंजुरी हो गई। अब आए दिन ये घटनाएं जो हैं ये देश में हो रही हैं, लोग बड़े जल्दी उत्तेजित हो रहे हैं, डॉक्टर के प्रति उनकी जो संवेदनाएँ हैं वो करीब करीब समाप्त होती जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। और उन्होंने इसके संदर्भ में थाने में शिकायत भी दर्ज की। उसी संबंध में कल SP महोदय से IMA ने संयुक्त रूप से भेंट करी, उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि इसके ऊपर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे एक अच्छा संदेश समाज में जाए कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस किसी के प्रति है तो उसका उचित फोरम है, उस फोरम पे आप करें, पर ऐसे जिसमें डॉक्टर का कहीं कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सामान्य बातचीत हो रही और आपने एकदम से मारपीट शुरू कर दी उनके साथ, ये गलत बात है। SP महोदय ने बहुत संवेदनाओं के साथ उसको प्रकरण को लिया, गंभीरता से लिया, सुना और तत्काल जो भी न्याय संगत कार्रवाई होनी है उसके लिए आदेश भी किए।